बहरका जिले के तहसीलदार साहब कोरबी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी मंच बनाए और विधिवत आज के हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करें। अभय जवेगे साहब, एस डी पी ओ रोशन पंडित साहब, तहसीलदार कोलपे साहब, इंटायर सिक्योरिटी इंचार्ज खैरे साहब, मैं हमारे साहिबान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सेंटर स्टेज आ जाएंगे हमारे सभी मुख्य अतिथि साहब, तो बड़ा अच्छा होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर हमारे बीच वो शख्सियत रहे जो मुश्किल काम को आसान कर दे तो किसी भी काम को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। अभी तो मेरे साहब एक ऐसी इंसान है, वाकई में अगर हकीकत में कहना चाहूंगा तो इनके सामने मेरी खड़े रहने की भी हैसियत है, लेकिन इतना प्यार, इतना दुलार पिताश्री का, उनकी कॉपी करने का एक जो उनका तरीका है वो हमेशा रहता है। सर, इस प्रोग्राम को पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने ऑर्गेनाइज किया है आपकी फुल मदद से, तो मैं चाहता हूँ कि दो शब्द आप खुश कहें। आज यहाँ पे बड़ा आनंद हो रहा है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि पुलिस कर्मियों के इसमें दिल नहीं होता है, बड़े निर्भरता से वो लाठी चलाते या सख्ती से पेश आते हैं, पर मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके उनके अंदर के कलाकार और उनके अंदर का इंसानियत कितनी अच्छी है कि मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कि सबसे बेहतरीन अपने ज़माने के, उनके साथ मुकेश जी थे, किशोर कुमार जी थे, सब में उस जमाने में जो भी गायक था उनका अपना एक लहजा था, अपना एक तरीका था, पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने सभी इसमें, मतलब ऐसा कोई राग नहीं होगा मुझे लगता है कि जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना नहीं गाया, और ऐसे कई अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाना गाया, मतलब मराठी में भी एक सुंदर था अभंग उन्होंने गाया था। तो इतने अच्छे कलाकार को, ये मुझे लगता है कि ये उनकी एक खासियत है कि मुझे लगता है वर्धा में मोहम्मद रफ़ी साहब की हर साल 31 जुलाई को ये कार्यक्रम होता है, आज भी शायद सार्वजनिक वाचनालय में एक कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे लगता है वर्धा वासियों का रफ़ी साहब के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और उसको हमारे पुलिस भाइयों ने एक अच्छा रूप देने की कोशिश की है। आप सभी चाहने वालों ने, रफ़ी साहब के चाहने वालों ने इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा कार्यक्रम और उसमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। हमारी एक परंपरा रही है हमारे घर में, जब भी कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो आइए चंद निर्माते में सरकार का समारोह यहाँ पे शुरू करता हूँ। हमारे आदरणीय अभिदो बेगे साहब का स्वागत करने के लिए किशोर पाटिल आएंगे, ऐसे मैं से गुजारिश करता हूँ।